जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएस भी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हैज अप्रूव द परचेज ऑफ हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी। देखो इंडियन नेवी के लिए कितने फाइटर जेट्स को परचेज करने का अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 26। ऑलराइट, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल जो है टू परचेज 26 नेबल वेरिएंट ऑफ राफेल फाइटर जेट, मतलब उन्होंने फ्रांस से ये जो इसका अप्रूवल है वो दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया। अच्छा, ये लिथुआनिया जो जगह है ये कहाँ पे है? इट इज़ इन ईस्ट यूरोपियन कंट्री। ठीक है, ईस्ट यूरोप वाली साइड पे है ये। तो अब उस मतलब ये लिथुआना के जो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है दिवेश उत्तम। क्या आंसर है? दिवेश उत्तम। ओके, सो दिवेश उत्तम बेसिकली IFS ऑफिसर हैं 2003 के बैच के। ओके, एंड अभी करंटली ये वर्क करे एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु इज द हेड ऑफ RBI वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज। मतलब RBI का जो ग्रुप है उसको कौन हेड कर रहा है? कौन से ग्रुप को जो वर्क कर रहा है ऑन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज राधेश्याम राठौर। ठीक है, क्या आंसर है? राधेश्याम राठौर। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन दैट इज कि AI फॉर गुड ग्लोबल समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जिनेवा। क्या आंसर है? जिनेवा में। ऑलराइट, चलो अगला जो क्वेश्चन दैट इज कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च करा है मोबाइल दोस्त ऐप? ठीक है, मोबाइल दोस्त ऐप कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च करा है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर। तो अब बेसिकली जो मोबाइल दोस्त ऐप जो लॉन्च है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है। अब इसकी मदद से ये बेसिकली ये जो ऐप है मोबाइल दोस्त ऐप, इसका मेन मकसद क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज हैं वो सभी लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकें कहाँ से? उनकी मोबाइल ऐप से। सो दैट्स व्हाई दे मेक मोबाइल दोस्त ऐप इम्पॉर्टेंट है और हमारे जेएनके के रिलेटेड है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि लिकेम्बी, व्हाट इज लिकेम्बी, जो आपने न्यूज़ में देखा है ये क्या है? ये बेसिकली एक दवाई है। ठीक है, कौन सी डिजीज़ के लिए है? एक सेकेंड, ये मेडिकेशन है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन दैट इज कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून कौन बने हैं? ठीक है, किनका नाम आया है? तो इनका जो आंसर है दैट इज विनेंदु हसरंगा। ठीक है, विनेंदु हसरंगा ये बेसिकली श्रीलंका के प्लेयर हैं, स्पिनर है। और उसके बाद अगर हम ये तो मेंस थे, अगर वुमेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम की जो ऑलराउंडर है एशले गार्डनर, ये सिलेक्ट हुए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून मंथ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ टाई अप करा है, किसके लिए? फॉर सेफ एंड न्यूट्रिश फूड के लिए आर्म फोर्सेस, फॉर द आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो आंसर है FSSAI। ठीक है, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो भी यूज़ किया जाए मटेरियल एक हेल्दी मटेरियल हो। ओके, तो एक हेल्दी प्रैक्टिस जो है वो एनेबल करी जाए, प्रमोट की जाए आर्म फोर्सेस में, और ताकि वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशियस फूड है उसको एंश्योर किया जाए। क्लियर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंडियन ने सिल्वर मेडल जीता है पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज निषाद कुमार। क्या आंसर है? निषाद कुमार। ओके, तो निषाद कुमार अभी जो रिसेंट चल रही है एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हो रही है? पेरिस में हो रही है। तो वहाँ पर निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करने जा रही है UNESCO फर्स्ट एवर मीटिंग किसके ऊपर? ऑन थ्रेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका आंसर दोगे आप कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो वीडियो आपको कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग,
इस तरह की ये अगर इन वीडियो से आपका हेल्प हो रहा है ना तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं किस चीज़ को स्टार्ट करूँ और मुझे पता नहीं लग रहा। बट अगर आप लोग कुछ सजेस्ट देना चाहे सजेशन देना चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अलग, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।